नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सवाल है लेट ए वन ए टू एट बी दैट लाइ ऑन अ सर्कल ऑफ रेडिस एंड पी बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल एंड लेट पी ए आई द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड ए आई फॉर आई इज टू वन टू एट आई इज टू वन टू एट इक्वल वन टू एट इफ ओवर द सर्कल देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट पी ए वन इंटू पी ए टू इंटू पी ए थ्री इंट पी एट तो बेसिकली हमें एक ऑक्टेगन चाहिए ना और वो ऑक्टेगन के जो एट वटैसेज हैं दैट विल ऑन अ सर्कल ऑफ़ रेडियस टू यूनिट अगर वो वन यूनिट रेडियस की सर्कल पर लाई करते वन यूनिट रेडियस वाले सर्कल पर लाई करते तो हम बोल सकते थे कि वो जो एवन ए टू एट है देट विल बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन जो एट रूट ऑफ यूनिटी आते हैं वो जो आठ रूट आएंगे इसके यूनिटी के वो सब एक सर्कल की सर्कम्फ्रेंस पर लाई करेंगे एक तो वो ऑक्टागन बनाएंगे रेगुलर ऑक्टागन और वो उस सर्कल की सर्कम्फ्रेंस पर लाई करेंगे जिसका रेडियस वन यूनिट है अब हम चाहते हैं कि रेगुलर ऑक्टागन तो बने लेकिन वो एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर लाई करें इसका रेडियस टू यूनिट है ना तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन कंसिडर करना पड़ेगा जेड टू दावर एट माइनस टू रेस्ट टू पावर एट इजल टू जीरो यहां से हमें एट रूट मिलेंगे ना और वो सबसे हमें ऑक्टागन बनेगा और उस वो जो ऑक्टागन बनेगा उसका जो सरगम सर्कल होगा उसका रेडियस टू यूनिट के बराबर होगा अब इसके रूट निकालना जानते हैं ना हम अगर मैं इसके रूट निकालूंगा तो जेड टू द पावर एट ये जीरो टू रेज टू पावर एट एंड इट कैन बी रिटन एज जेड इजल टू टू इंट वन टू द पावर वन बाई एट अब इसके हम रूट जानते हैं ना एट रूट आएंगे इसके ना उनमें से एक तो वन आएगा यानी इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे e यानी हो गया मतलब हमारे पास तो बेसिकली हमें करना क्या है कि जो जेड रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से जो जेड मिलेगा हमें वो ऑक्टागन के वटे को रिप्रेजेंट करेगा मतलब वो जो भी उस सर्कल पर लाई करेगा अगर मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको ना और उसमें कैलकुलेट करते हैं फिर अपन Z टू द पावर एट माइनस टू रेस्ट टू पावर एट इक्वल टू इसके एट फैक्टर आएंगे हमारे पास उनमें से एक आएगा जेड माइनस 2 एक फैक्टर होगा z माइनस 2 अल्फ़ा एक फैक्टर होगा z माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर एंड लास्ट फैक्टर होगा जेड माइनस टू इंटू अल्फ़ा रेस्टू पावर सेवन ये इसके एट फैक्टर आ गए हमारे पास अब बेसिकली ये जेड है ना, ये उस मान लो अगर मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये सर्कल बेसिकली जो है इसका रेडियस टू यूनिट के बराबर है ना। द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज़ टू यूनिट अब इसमें मान लो ये हमने मान लिया कि A1 ए वन है हमारे पास ये A1 हमारे पास है ये ए टू के हमारे पास है ये ए थ्री कहीं हमारे पास हो ऐसा एट वटाइस दे रखे हैं मैं रेगुलर ऑक्टर बना हुआ है ना तो हम कह रहे हैं ये जो जेड बेसिकली है ये इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर ही किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना तो मैंने मान लिया वो जो पॉइंट पी है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है बेसिकली ये टू हो जाएगा ये टू अल्फ़ा हो जाएगा ना तो हम कह रहे हैं हमें पी की ए से डिस्टेंस निकालनी है पी की ए से डिस्टेंस निकालनी है पी की ए से डिस्टेंस निकालनी है तो बेसिकली ये क्या हो गया ये पी ए वन हो गया है ना दिस इज पी ए वन दिस इज पी ए वन दिस इज पी ए टू दिस इज पी ए थ्री एंड दिस इज पी एट और हमें इस डिस्टेंस को क्या करना है बेसिकली ये तो नहीं हुआ इनका मॉड अगर मैं कंसिडर कर लूं इसका मॉड अगर मैं कंसिडर कर लूँ दोनों तो अगर बराबर हैं तो मॉड लगाने के लिए मॉड अलग अलग अप्लाई कर दिया इसका मॉड ले लिया मैंने इसका मॉड ले लिया मैंने इसका मॉड में ले सकता हूँ अलग अलग इंडिव्यूल पे मॉड अप्लाई कर दिया मॉड की प्रॉपर्टी लगा दी है ना ना इट विल रिप्रेजेंट पी ए वन पी ए टू पी ए थ्री पी एट अब हम चाहते हैं ये डिस्टेंस मैक्सिमम आ जाए ना और अगर डिस्टेंस मैक्सिमम आए तो मुझे बेसिकली इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है लेकिन बेसिकली ये प्रोडक्ट इसके बराबर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालू मैक्सिमम वैल्यू निकालू एक ही बात है ना और हम जानते हैं कि भाई मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू विल बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन एंड प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू देर फॉर मॉडल ऑफ जेड टू दावर एट माइनस टू रेस टू पावर एट विल बीवल टू मॉडल ऑफ जेड टू दावर एट एन प्लस टू रेस्ट पावर एट जेड वन में इसको बोल रहा हूँ जेड टू में इसको बोल रहा हूँ ना तो इसको लिख सकता हूँ मॉड जेड होल पावर एट एन दिस इज टू रेस्ट टू पावर एट अब मॉड जेड क्या जेड जो है हमारे पास इस सर्कल की सर्कम्फ्रेंस पर लाई करने वाले किसी पॉइंट का के कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन जो भी पॉइंट इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर लाई करेगा उसका जो मॉड है वो बेसिकली ये तो कॉन्स्टेंट है और वो टू के बराबर है ना इसको लिख सकता हूँ दिस इज टू रेस्ट टू पावर एट एन प्लस टू रेस्ट पावर एट दर वी लेस देन टू रेस्ट टू पावर नाइन तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो टू रेस्ट अबाउ नाइन आएगी और सिं से बराबर है तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी टू रेस्ट अबाउट नाइन दैट विल बी इक्वल टू फाइव वन टू तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ऑफ फाइव वन टू इज़ द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम <coughs> ये हम ट्राइंगल से रिलेटेड मान सकते हैं ना सरकम रेड्स का भी कहीं जिक्र कर रखा है इसमें और कहीं ना कहीं इसमें इन रेड्स भी पूछा गया है हमसे इन रेडस भी इसमें हमें कैलकुलेट करना है इसमें एक ऑप्शन हमारे पास था इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल एक तो हमें इन रेडियस निकालना है ट्राइंगल का और एक हमें कैलकुलेट करना है एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का ना दो जानकारी हमारे पास है ट्राइंगल ऑफ टूज एंगल है हमारे पास और उसका जो सरकम सर्कल है यानी जो सरकम रेडियस है वो वन के बराबर दे रखा है ना तो ट्राइंगल ए बी सी ऑफ टूज एंगल है ये डायग्राम बना लेता हूँ मैं यहाँ पर इसकी साइड्स ए पी के अंदर दी हुई है हमें तो मैंने मान लिया ये एक्स है इसको मैंने एक्सप्लस वाई मान लिया तो बेसिकली एक्सप्ल टू वाई हो गया ना तो साइड से पी के अंदर आ गई और ये लार्जेस्ट एंगल हो गया ना ये स्मॉलेस्ट साइड है तो ये स्मॉलेस्ट एंगल हो गया ना तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट दिया हुआ है हमें और एक हमें इसका जो आर है जो सरकम रेडियस है वो वन यूनिट दिया हुआ है ना हमें एक तो इसका एरिया निकालना है वी यू टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एरिया को ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है हमने एक हमें निकालना है इसका इन रेडियस एक हमें इसका स्मॉल आर कैलकुलेट करना है ना तो जो भी हमें दिया हुआ है सबसे पहले जानकारी है कि डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज पाई बाय टू तो यहां से मैंने बी एंगल को कैलकुलेट कर लिया एंगल बी इज इक्वल टू पाई बाय टू प्लस सी एक हम जानते हैं कि भाई ट्राइंगल के एंगल का इंटीरियर एंगल का इंटीर सम कितना होगा वन इटी होगा ना सिंस मैं बी जानता हूं पाई बाय टू प्लस सी है तो यहां से ए निकाल सकता हूं पाई बाय टू प्लस सी हो गया तो ये आ गया पाई बाय टू माइनस टू सी एंगल ए भी मैंने कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ सी और एंगल बी भी, भी मेरे पास इन टर्म्स ऑफ सी है ना अब हमें क्या करना है कि एक ए पी के अंदर रखा है कि भाई ये साइड से ए पी के अंदर है तो इसका भी मैं कुछ यूज कर सकता हूँ ना तो सिंस हमें दिया हुआ है कि बी ए या ए बीमा बी सी एन ए सी आर इन ए पी आर इन ए पी और अगर ए पी के अंदर है तो टू टाइम्स ऑफ बी सी इजिकल टू ए बी प्लस ए सी इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना अब हम जानते हैं जैसे बी सी को जनरली हम स्मॉल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना तो हालांकि स्मॉल एरिया का यूज़ कर रखा है उन्होंने इसलिए मैंने एक्सपाई का यूज़ किया था यहाँ तो बी सी को लिख सकते हैं हम दिस इज बी सी अपॉन साइन सी बी सी अपॉन साइन है तो टू की जगह टू रहेगा और वो लिख सकते हैं बी सी को बोलते हैं ना अपन ए अपन ए इजल टू आर साइन है तो दिस इज इक्वल टू दिस इज टू आर and sin a 2r sin a this is 2r sin a ab is 2r sin c and ac is 2r sin b by using sin law हमने लिख दिया है ना अब यहां पर 2r तो cancel हो जाएगा हमारे से ना और ये मैंने use कर लिया This is 2 times of sin a is equal to, 2 times of sin a is equal to, sin b plus sin c एंगल ए हमारे पास इन टर्म्स ऑफ साइन है ना तो एंगल ए इज पाई पाइवे टू माइनस टू सी तो इट विल बिकम टू टाइम्स ऑफ साइन टू सी टू टाइम्स ऑफ कॉस टू सी बेसिकली बिकॉज ए इज पाई पाइवे टू माइनस टू सी कॉस ऑफ टू सी साइन बी कितना आ जाएगा साइन बी आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ सी आ जाएगा बिकॉज साइन पाइवेट टू प्लस थीटा इज कॉस थीटा एंड दिस इज साइन सी इसको फैक्टराइज कर देंगे हम तो टू टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी विल बी इक्वल टू कॉस सी प्लस साइंस बट इसको फैक्टराइज किया हमने तो कॉस सी प्लस साइंस से कॉस सी प्लस साइंस कैंसिल हो जाएगा ना बिकॉज सीट एंगल कॉस सी प्लस साइंस इज नॉट इक्वल टू जीरो टू वन बाई टू अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूँ तो so, स्क्वायरिंग करने पर जो है हमारे पास यह आ जाएगा वन माइनस साइन टू सी इज इकल टू वन बाई फोर अंडर फॉर साइन टू सी इक्वल टू थ्री बाई फोर यहां से मैं चाहूं तो कॉस टू सी भी निकाल के रख सकता हूं अगर जरूरत पड़ेगी कहीं आगे तो कॉस टू सी विल बी इक्वल टू डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस नाइन बाई सिक्सटीन इज सेवन बाय रूट सेवन बाय फोर ये ऐसा आ गया बच्चों ना रूट सेवन बाय फोर क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो है वो हमारे पास पाइवे टू माइनस सी दे रखा है डिफरेंस उनका पाइवेट टू दे रखा है मैं तो वो पाइवेट टू प्लस सी के बराबर आ जाएगा और वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना तो कॉस टू सीज रूट सेवन बाई फोर अब क्या निकालना है हमें एरिया निकालना है ना तो एरिया अगर मुझे निकालना है एरिया भी निकालना है और मुझे इनडस भी निकालना है तो सिंस एरिया लिख सकता हूं मैंने सिंस एरिया इजिकल टू एरिया इजिकल टू उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल ए से <coughs> तो उसको लिख सकते हैं हम एबीसी अपॉन फोर आर बिकॉज डेल्टा इजिकल टू एबीसी अपॉन आर इजिकल टू एबीसी अपॉन फोर डेल्टा तो ए ये ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वो साइड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना लेकिन इस ए को लिख सकता हूं मैं टू आर साइन ए दिस इज टू आर साइन ए दिस इज टू आर साइन बी एंड टू आर साइन सी दिस इज टू आर साइन सी और आर की जगह आर लिखा हुआ है फोर आर आर हमें वन दिया हुआ है ना तो ये वन हो जाएगा वन वन एंड वन और ये फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा तो वार्ड देखिए टू टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी अब टू तो टू तो है हमारे पास ए हमारे पास कितना है ए हमारे पास है पाई बी टू प्लस टू सी ए इज पाइवे टू प्लस टू सी और बी कितना है हमारे पास पाइवे टू प्लस सी है बी इज पाइवे टू प्लस सी तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ टू सी दिस इज कॉस ऑफ टू सी एंड साइन बी इज कॉस सी एंड साइन सी इज साइन सी और हमें साइन टू सी पता है शायद हमें ना अभी हमने कैलकुलेट किया था साइन टू सी निकाला था हमने थ्री बाई फोर और कॉस्ट टू सी निकाला था हमने रूट सेवन बाई फोर साइन टू सी इज इक्वल टू थ्री बाई फोर एंड कॉस्ट ऑफ टू सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेवन बाई फोर ये हमने कैलकुलेट कर लिया था अभी ना तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना इसको वही इस कॉस्ट टू सी तो क्लियर कट तैयार है हमारे पास और ये साइन टू सी बन जाएगा ना तो कॉस्ट टू सी साइन ऑफ टू सी

देर वॉज सिक्सटी a whole square is equal to वन फोर्टी फोर इंटू सेवन देर विल कम आउट टू बी वन डबल जीरो एट तो एक तो आंसर आ गया बच्चों ना अगर a small area है हमारे पास अगर a area है तो सिक्सटी फोर ए होल स्क्वायर तो आ गया वन डबल जीरो एट अब हमें इसका निकालना है in radius. इस triangle का in radius भी हमें calculate करना है तो so, in radius निकालने के लिए again हमारे पास in radius निकालने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो जो जानकारी हमारे पास है उसका इस्तेमाल कर लेंगे हम भाई साइन टू सी हमारे पास है और हमारे पास है कॉस टू सी और इन रेड्स मुझे निकालना है ना तो जो फॉर्मूला हमारे पास होता है इन रेडेस का दैट इज़ डेल्टा बाई एस इन रेडेस से देख डेल्टा बाई एस तो डेल्टा तो एरिया था हमारे पास और एरिया हमें पता ही है एरिया हमने निकाल ही लिया है ना एरिया हमने कैलकुलेट कर रखा है और एरिया को तो ही देंगे अपन ना वो कितना आ गया था ए हमारे पास आ गया था अभी ना तो दैट इज और इसका मतलब हो गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू तो एरिया था हमारे पास एरिया ए आशन निकाला था ना हमने ट्वेल्व अपॉन सिक्सटी फोर टू सेवन तो बेसिकली एस निकाल लेते हैं अपने ना एरिया तो हमारे पास है ही सही एरिया हमने कैलकुलेट कर रखा है यहां से हमने एस निकाल लेते हैं बस तो सिंस एरिया भी निकाल लेंगे <laughs> एस कैलकुलेट करना है ना तो सिंस एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू दिस वन बाई टू ये को लिख सकते हैं हम टू आर साइन है एंड टू आर साइन सी आर हमारे पास वन है तो इसे साइन है साइन बी साइन सी आ जाएगा ना साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी तो ये तो आ जाएगा कॉस्ट टू सी बी हमारे पास प्राइवेट टू प्लस सी था तो कॉस सी बन जाएगा और ये साइन सी बन जाएगा ना हमें साइन टू सी की वैल्यू पता है ना तो कॉस टू सी कॉस टू सी रहेगा बच्चों इसको लिख सकते हैं अंडरवुड ऑफ वन प्लस साइन टू सी एंड दिस इज कॉस टू सी स्क्वायर रूट ऑफ सेवन बाई फोर एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस दैट इज थ्री बाई फोर दैट इज थ्री बाई फोर तो स्क्वायर रूट ऑफ सेवन बाई फोर प्लस एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ सेवन बाई टू ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास तो दिस इज थ्री बाई फोर स्क्वायर ऑफ सेवन थ्री बाई फोर स्क्वायर ऑफ सेवन वन बाई टू प्लस वन बाई फोर इज़ थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर तो ये तो हमारे पास ऐसा आ गया ना अब डेल्टा हमारे पास था डेल्टा जो था हमारे पास वो दट इज थ्री बाय सिक्सटीन रूट सेवन अपॉन थ्री बाई फोर इन रूट सेवन तो दैट इज इक्वल टू वन बाई फोर दैट इज इक्वल टू वन बाई फोर तो इन रेडस विल कम आउट टू बी वन बाई फोर दैट इज जीरो पॉइंट टू फाइव तो इस तरह से ये कैलकुलेट कर लिया हमने ना सर्कम रेडस का भी यूज किया इन रेडस का भी निकाला और ट्राइंगल का भी यूज किया ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ये अगेन थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड मान सकते हैं ना इफ वन नाइन सिक्स सेवन प्लस वन सिक्स एट सिक्स साइन थीटा इंटू आई यानी वो लिखा हुआ है ऐसा ना यानी ये रियल पार्ट है ये इमेजरी पार्ट है दिस इज साइन थीटा इंटू आई यानी ए प्लस बी साइन थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है इज एन इंटीजियर देन फाइन इट्स वैल्यू अगर ये इंटीरियर है तो इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है ना तो इसको बस हम मैं अगर ये इंटीरियर का मतलब रियल होना चाहिए तो इसका इमेजरी पार्ट निकाल के जीरो कर दूंगा है ना वहां से जो वैल्यू आएगी उसको रख दूंगा यहाँ पर और फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ ना तो ध्यान से देखें हम तो 1967 लिखा हुआ है दिस इज 1967 नाइन सिक्स सेवन प्लस आयोटा एंड दैट इज वन सिक्स एट सिक्स थीटा अपॉन सेवन माइनस आयोटा इंटू थ्री कॉस थीटा अगर ये इंटीजर है तो इसका रियल है और अगर ये रियल है तो इसको जेड मान लेता हूं मैं ना तो इसका मुझे इमेजरी पार्ट जीरो करना पड़ेगा तो बस इसके कॉन्जुकेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप थ्री कॉस्ट सीटा अपॉन सेवन प्लस आयोटा इंटू थ्री कॉस्ट सीटा अब यहां से रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट निकाल लेता हूँ मैं तो रियल पार्ट हमारे पास आएगा वन नाइन सिक्स सेवन इंटू सेवन माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा इमेजरी पार्ट आएगा और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आएगा वन सिक्स एट सिक्स इन थ्री साइन थीटा कॉस थीटा यह कहीं ना कहीं रियल पार्ट के अंदर आएगा हमारे पास फोर्टी नाइन प्लस नाइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा अभी मेरी पार्ट देख लेता हूं ना तो आयोटा एक तो इसके अंदर आएगा ना वन नाइन सिक्स सेवन वन नाइन सिक्स सेवन इंटू थ्री कॉस थीटा फिर आइटा वहां आ जाएगा प्लस सेवन इंटू वन सिक्स एट सिक्स साइन थीटा अपॉन फोर्टी नाइन प्लस नाइन कॉस स्क्वायर थीटा फोर्टी नाइन प्लस नाइन कॉस स्क्वायर थीटा अब हमें चाहते हैं कि ये इंटीजर आए मतलब ये प्योरली रियल आ जाए तो इसका इमेजरी पार्ट जीरो कर देता हूं मैं ना तो देयरफॉर इमेजरी पार्ट इज इक्वल टू जीरो तो 1967 3 कॉस थीटा प्लस 7 16 86 साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो तो बेसिकली ये सेवन का मल्टीपल हो रहा है और ये थ्री का मल्टीपल हो रहा है ना तो so, अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ उसको तो सेवन का से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं एटी वन आ जाएगा ये कॉस थीटा और ये थ्री का मल्टीपल आ रहा है ना थ्री का मल्टीपल आ रहा है ना न साइन थीटा इिजिकल टू तो जीरो अब टू एटी वन को डबल करता हूं अगर मैं तो वी आर गेटिंग फाइव सिक्सटी टू तो दिस इज टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर जीरो आ गया टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर जीरो टेन्थ थीटा इजिकल टू माने साफ टें थीटा इजिकल टू माने साफ यह आ गया बच्चों ना अब ऐसा कर देने से ये इसका इमेजरी पार्ट तो जीरो हो ही गया ना अब इमेजरी पार्ट अगर जीरो है तो बस इस वैल्यू को रख देता हूँ यहाँ पर है ना तो ये इंटीजर बन जाना चाहिए अपने आप है ना और इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ फिर मैं तो यहाँ हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है और हमारे पास हाँ तो या तो हम यहां से निकाल लें कॉस सीटा और साइन थीटा है ना या इसको कॉस सीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर दो इसको लिख सकते हैं हम टू साइन थीटा है टू इसको लिख सकते हैं हम दिस इज कॉस थीटा है टू मानस का टू साइन थीटा यहां ऐसा लिख सकते हैं है अपने ना तो जो कॉस सीटा है इसको भी साइन थीटा में कन्वर्ट कर लो कॉस सीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर लो आप वन नाइन सिक्स सेवन इंटू सेवन प्लस ये वन सिक्स एट सिक्स फ्री इसको लिखेंगे हम कॉस थीटा को माइनस का टू साइन थीटा तो कॉस सीटा को लिख रहे हैं माइनस का टू साइन थीटा तो आ जाएगा हमारे पास सिक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फोर्टी नाइन प्लस नाइन कॉश स्क्वायर थीटा नाइन कॉश स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं अपन यहां से ना यहां से हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉश स्क्वा थीटा की वैल्यू को निकाला जा सकता है ना तो सिंस सेक्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सैन स्क्वायर थीटा तो फाइव बाई फोर आ गया हमारे पास है ना तो so, यहां से कॉस स्क्वा थीटा आ गया फिर साइन स्क्वायर निकाल लेंगे थीटा इक्वल टू वन बाई फाइव साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाई फाइव फोर्टी नाइन प्लस नाइन इंटू कॉस्ट स्क्वायर थीटाइस फोर बाई फाइव और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करने पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे एंड इट विल कम आउट टू बी टू एटी वन सिम्प्लीफाई करने पर आ जाएगा वन पॉइंट टू एटी वन इसके टू एटी वन ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना ये थोड़ा मैट्रिक्स से रिलेटेड है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मैं आर थ्री बाई थ्री का है उसके जो एलिमेंट हैं उनमें से उन्होंने पांच एलिमेंट फिक्स कर रखे हैं ना थ्री टू फाइव यानी एक तो सेकंड कॉलम फिक्स कर रखा है और एक थर्ड रो फिक्स कर रखी है चार एलिमेंट जो है वो ए बी सी डी है और वो सेट को बिलोंग करते हैं ना इसमें एक जीरो है और बाकी जो एलिमेंट हमारे पास सात हैं वो सब प्राइम नंबर है हमारे पास है ना देन द नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मेट्राइसेस इन आर इज़ ये काउंट कर नंबर ऑफ़ इन्वर्टेबल मेट्राइसेस काउंट करने हैं हमें ना तो हम क्या करेंगे टोटल मैट्रिक्स निकाल लेंगे और जो नॉन इन्वर्टिबल है उनको माइनस कर देंगे ना तो टोटल नंबर ऑफ मेट्राइसिस अगर मैं निकालने की कोशिश करूं टोटल मेट्राइसिस तो ये कितने एलिमेंट हमारे पास है थ्री एंड सिक्स सेवन एट तो इस ए को फिल करने के एट वेज हैं बी को फिल करने के एट वेज़ सी को फिल करने के एट वेज और एट को फिल करने के एट वेज़ तो इट विल कम आउट टू बी फोर ज़ीरो नाइन सिक्स टोटल नंबर ऑफ मेट्राइस तो इतने बन गए बच्चों फोर जीरो नाइन सिक्स अब इनमें से वो निकाल निकालें जो नॉन इन्वर्टेबल है ना तो पहले हम डिटर्मिनंट की वैल्यू निकालते हैं ना तो अगर मैं डिटर्मिनंट की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ दिस इज थ्री ए थ्री बी सी टू डी एंड जीरो फाइव जीरो अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ मान लो थर्ड रोके लो अगर मैं एक्सपेंड कर लूँगा तो माइनस फाइव टाइम्स ऑफ ए डी माइनस बी सी ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना माइनस फाइव टाइम्स ऑफ ए डी माइनस बी सी अब हम वो नंबर ऑफ मेट्रिक निकाल लेंगे जब ये नॉन इन्वर्टिबल आ जाए मतलब डिटरमिनेंट जीरो आ जाए ना नॉन इन्वर्टिबल मेट्राइसिस नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टेबल मेट्राइस निकालेंगे अपने ना तो उसके लिए क्या करेंगे ए डी बराबर बी सी होना चाहिए ना फॉर देट ए डी इज इक्वल टू बी सी अब जीरो के अलावा सारे प्राइम नंबर हमारे पास हैं तो इसमें क्या केसेस बनाने पड़ेंगे ना हमें केसेस केस नंबर वन की बात अगर हम करें केस वन की बात करें अगर केस वन केस टू में डिफरेंस से रखेंगे भाई हम केस वन का मतलब ये एलिमेंट जीरो हो सकते हैं और केस टू का इनमें से कोई भी जीरो नहीं हो सकता है ना तो केस वन में फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं वेन ऑल फोर आर जीरो ऑल फोर जीरो ऑल फोर जीरो तो कितने बनेंगे टोटल सारे जीरो में तो भाई एक ही बन गया ना सारे के सारे जीरो हो गए ना थ्री जीरो थ्री जीरो एंड वन नॉन जीरो तो भी बराबर आ जाएगा तो भी एटी बराबर C आ जाएगा क्योंकि अगर तीन जीरो तो ये भी जीरो आएगा और वो भी जीरो आ जाएगा ना तो उसमें थ्री तो हमारे पास जीरो कर ना इन तीनों को तो जीरो कर दिया अब जो बचा उसको एक समय इन तीनों को तो जीरो कर दिया हमने जो फोर्थ एलिमेंट बचा उसको सेलेक्ट करने का ट्वेंटी एट वेज आ गए दो जीरो हो जाए दो नॉन जीरो सेकेंड uh, केस था अब थर्ड केस पर आ गए दो जीरो हो जाए दो नॉन जीरो हो जाए ना टू जीरो एंड टू नॉन जीरो तो दो तो मुझे जीरो करने हैं और दो मुझे नॉन जीरो करने हैं तो वैसे बात है अगर मुझे दो जीरो करने है ना तो एक इधर का जीरो होगा और एक उधर का जीरो होगा ना तो इनमें से कोई एक एलिमेंट जीरो होगा ना तो पहले उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लिया मैंने जो सेलेक्ट किया उसको तो मैंने जीरो कर दिया यानी फिल कर दिया एक तरीके से जो सेलेक्ट नहीं हुआ उसको सेवन वैसे फिल कर सकता हूँ आगे न इसमें ऐसा कर सकता हूँ टू सी वन इंटू वन इंटू सेवन तो दो जीरो आ गए और दो नॉन ज़ीरो आ गए ना तो ये कितना आ गया ये थर्ड केस हमारे दो जीरो और दो नॉन जीरो का केस आ गया हमारे पास दिस इज इक्वल टू तो वन नाइन्टी सिक्स ये आ जाएगा बच्चों वन नाइन्टी सिक्स तो इन केसेस में ये सब नॉन इन्वर्टेबल आएंगे क्योंकि इनमें एडी बराबर बी सी आ जाएगा ना अब हम देखते हैं कि भाई इनमें से कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होगा ना कोई भी हमारे पास जीरो नहीं होगा ना इसको केस टू काउंट करके चल रहे हैं अपन नो एलिमेंट इज जीरो व्हेन ऑल फोर आर नॉन जीरो ऑल फोर आर नॉन जीरो मतलब एबीसीडी में से कोई जीरो नहीं होगा ना तो उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट कंसिडर किया फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं वेन ऑल फोर आर सेम सारे के सारे सेम हो जाए ना सेम हो लेकिन जीरो कोई भी नहीं होना पर ये जब सब सेम हो जाए ना ए जो वो है वही डी हो वही बी और वही सी हो जाए ना ऑल फोर सेम तो उसका हमारे पास एक ही तरीका है ना मतलब हमारे पास सात तरीके हैं ना ये तो सबको हम तीन कर देंगे सबको पांच कर देंगे तो सेवन वेज ये सेवन वेद आ जाएंगे हमारे पास इसके बाद टू सेम और टू अदर टू सेम ऑफ वन टाइप एंड टू सेम अदर टाइप वन टाइप टू सेम एंड टू सेम टू सेम टू सेम जैसे मान लो दो हमारे पास तीन हो जाए दो हमारे पास तीन हो जाए और दो हमारे पास फाइव हो जाए ना तो पहले तो दो एलिमेंट चाहिए हमें तो सात एलिमेंट हमारे पास है सात में से दो सेलेक्ट कर लिया हमने ना जैसे मान लो तीन और फाइव आया तो तीन को डबल कर दिया और फाइव को भी डबल कर दिया ना अब हम चाहते हैं कि बराबर आए तो इनमें से एक नंबर इनमें से एक यहां से और एक यहां से मैं इसके लिए यूज करूंगा और एक यहां से एक यहां जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको थ्री लिया इसको थ्री लिया इसको, इसको फाइव लिया इसको थ्री इसको फाइव एक तीन इधर दूंगा एक तीन इधर दूंगा एक फाइव इधर दूंगा एक फाइव इधर दूंगा ताकि प्रोडक्ट बराबर आ जाएगा तो थ्री ये भी हो सकता है और तो इसको थ्री फाइव को अगर मान लो मैंने थ्री लिया एक थ्री फाइव थ्री और फाइव थ्री और, और फाइव तो टू फैक्टोरियल टू फैक्ट्रल क्योंकि थ्री इंटू फाइव या फाइव इंटू थ्री थ्री इंटू फाइव फाइव इंटू थ्री तो चार तरीके बन जाएंगे उससे हमारे पास है ना तो ये कितना आ जाएगा दिस इज ट्वेंटी वन इंटू फोर दिस टू एटी फोर ये एटी फोर आ जाएगा बस इनको ऐड कर दूंगा मैं और ऐड करने के बाद मेरे पास इन्वर्टेबल मेट्राज आ जाएंगे तो नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टेबल आर, नंबर ऑफ नॉन इक्वल टू सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करें 1 plus, 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 तो वन एन प्लस एट प्लस दैट इज वन नाइन सिक्स प्लस आप इट विल गिव यार टोटल करने पर कितना आ जाएगा थ्री वन सिक्स इज टोटल तो टोटल नंबर ऑफ मेट्राइस ये थे हमारे पास इसमें से अगर मैं थ्री वन सिक्स माइनस कर दूंगा तो वी गेट थ्री सेवन एट जीरो द टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मेटराइस आर दिस टोटल नंबर ऑफ मेट्राइस एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टेबल मेटराइसेज तो दैट विल कम आउट टू बी थ्री सेवन एट जीरो